हेलो एवरीवन, वेलकम टू किचन अफेयर्स। आज हम बनाएंगे प्रॉन करी हमारे ओडिशा के स्टाइल में, जिसे हम ओडिया में बोलते हैं चिंगुड़ी तरकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉन करी के लिए मैंने लिया है 18 से 20 पीस बड़े साइज का प्रॉन, जिसको मैं धो के हल्दी नमक के साथ मैरिनेट करके रखी हूँ। 2 बड़े साइज के आलू, जिसको मैं इस तरह के पीसेस में काट ली हूँ। मसाला पेस्ट प्रिपेयर करने के लिए यहाँ मैं ली हूँ अदरक, 1 मीडियम साइज का प्याज, 20 से 25 लहसुन। बाकी के इंग्रेडिएंट्स में मैं ली हूँ प्याज, जिसको काट ली हूँ, 1 मीडियम साइज टमाटर, धनिया के पत्ते, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून हल्दी, नमक, पानी और तेल। यहाँ पहले हम एक मसाला पेस्ट प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हम एक ब्लेंडिंग जार में डाल देंगे। लहसुन, प्याज और अदरक, थोड़ा सा पानी डाल के इसको ब्लेंड करके एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे और उसे साइड में रख लेंगे। यहाँ एक पैन में हम 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे और उसे गरम होने देंगे। यहाँ हमारा तेल गरम हो गया है, तो अब हम इसमें प्रॉन डाल के प्रॉन को फ्राई कर लेंगे। मैं सारे प्रॉन्स यहाँ पे एक साथ नहीं डाल रही हूँ, मैं 2 बैचेस में ये सारे प्रॉन्स को हाफ ऑफ करके फ्राई करूँगी। प्रॉन्स को हमें कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। इसे दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, लो से मीडियम फ्लेम में। यहाँ देखिए, हमारा प्रॉन एक साइड से फ्राई हो गया है अच्छी तरह से, तो अब हम उसे पलट के दूसरे साइड भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और इसी तरह से सारे प्रॉन्स को हम फ्राई करेंगे। प्रॉन ज़्यादा टाइम नहीं लेते फ्राई होने के लिए, बहुत ही कम टाइम के अंदर ये फ्राई हो जाएंगे। यहाँ देखिए, ये सारे प्रॉन्स हो गया है ऑलमोस्ट। सारे प्रॉन्स हमारे यहाँ फ्राई हो गए हैं, तो अब हम इसे साइड में रख लेंगे। सेम पैन में अब हम 3 टेबलस्पून तेल डालेंगे। तेल गर्म हो जाने के बाद हम इसमें सारे आलू को डाल देंगे। फिर इसमें 1/2 टीस्पून के करीब नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे। फिर उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस आलू को हम फ्राई करेंगे, जब तक कि आलू हमारा 80% कुक ना हो जाए। यहाँ हमारा आलू 80% कुक हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है, तो अब हम इसे प्लेट में निकाल के साइड में रख लेंगे। अब आलू फ्राई करने के बाद जो तेल बच गया है, उसी बचे हुए तेल में 1 टेबलस्पून तेल और ऐड करेंगे। तेल गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे प्याज और उसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाने तक। देखिए, प्याज गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है, तो अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और अब उसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और हल्दी। गैस की फ्लेम को लो में ही रहने देंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें प्रिपेयर किया हुआ मसाला पेस्ट को डाल देंगे और उसे अच्छी तरह से मिला देंगे। फिर उसे कवर करके 10 मिनट के लिए लो से मीडियम फ्लेम में भुनने देंगे। मसाले को बीच बीच में चलाते रहना है, नहीं तो मसाला जल जाएगा। 10 मिनट के बाद कवर खोलेंगे और यहाँ देखिए, मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है और तेल भी निकल गया है, तो अब इसे मिक्स करेंगे अच्छे से और इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, मिक्स करेंगे और डाल देंगे चॉप किए हुए टमाटर, नमक, मिक्स करेंगे। फिर इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, ताकि मसाला हमारा जले नहीं, और उसे कवर करके कुक होने के लिए छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए लो से मीडियम फ्लेम में। 10 मिनट के बाद कवर खोलेंगे और यहाँ देखिए, टमाटर सॉफ्ट हो गया है और मसाला भी अच्छी तरह से भुन चुका है और तेल भी निकल गया है। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें बस थोड़ा सा ही पानी डालेंगे और मसाले को अच्छे से पानी के साथ मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें डाल देंगे हमारे फ्राई किए हुए आलू को और उसे भी मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करके कवर करके
हमारा आलू सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। बीच बीच में हमें कवर खोल के आलू कुक हुआ है या नहीं पूरी तरह से चेक करते रहना है। यहाँ देखिए आलू हमारा सॉफ्ट हो गया है, यानी कि आलू पक चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे प्रॉन्स को और उसे भी अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट के लिए और उसे फ्राई करेंगे मसाले के साथ। 5 मिनट के लिए मैंने मसाले के साथ प्रॉन्स और आलू को फ्राई कर लिया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी आप अपनी मर्जी के हिसाब से डाल सकते हैं, आपको जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए ग्रेवी की उसके हिसाब से, लेकिन ये करी तब अच्छा लगता है अगर ये थोड़ा पतला होता है और ज्यादा थिक कंसिस्टेंसी का नहीं होता है। मैं थोड़ा और पानी डालूंगी। और फिर इसमें गरम मसाला डाल दूंगी और उसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब इसको कवर करके हाई फ्लेम में एक बॉईल आने तक हम छोड़ देंगे। यहाँ देखिए हमारी करी में बॉईल आ गया है। तो अब हम कवर खोलेंगे और उसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा करी का कलर भी कितना सुंदर आया है। और ये करी एक्चुअल में बहुत टेस्टी बनती है, आप इस प्रॉन की करी को जरूर ट्राई कीजिए। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और उसे धनिया के पत्ते से गार्निश कर लेंगे। फिर उसे कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। पांच मिनट के बाद अब हम प्रॉन की करी को सर्व कर लेंगे। ये देखिए प्रॉन की करी कितनी सुंदर लग रही है। आप भी हमारे ओडिशा स्टाइल की प्रॉन की करी को जरूर अपने घर में ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिए कि आपको ये करी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज किचन अफेयर्स को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। हेलो एवरीवन।